जनाब आरिफ शेख, वल्द करीम शेख, नफीसा खातून बिन्त जमाल शेख, आपको उनके निकाह में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? पहले आप नहीं 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 प्लीज 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 खा लो वाली। चल नौटंकी बाज। इसने अपने बीवी को तलाक दे दिया है, अभी ये उसी से दोबारा निकाह करना चाहता है। उसे पहले हलाला करना पड़ेगा। 50,000 कुछ ज्यादा है, कुछ कम। आज घर पहुंच के उसे सरप्राइज दूंगा। अरे आप आइए आइए आइए। मुझे तो लगता है कहीं आपका दूसरी जगह कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। अगर मैं घर नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम क्या क्या कुल खिला रही हो। कबीर, वो मेरी खाला जान का लड़का था। मैं तुझे तलाक देता हूँ। बिना हलाला के नाज से दोबारा निकाह कर सकते हो? अम्मी जान, सब मुनासिब है। अगर मौलवी साहब कह दे ये सब मुनासिब है तो फिर मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? यानी अब मुझे किसी गैर मर्द के साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा? मियां कबीर, हलाला तो करवाना ही पड़ेगा। ये अल्लाह के बनाए वसूल नहीं है, ये आप जैसे लोगों के बनाए गए वसूल रस्म और रिवाज है जो औरतों की इज्जत के साथ साथ मजहब के साथ भी खेल रहे हैं। कभी कुरान पढ़ी है? अल्लाह ने तलाक बच्चियों को दंडित करने के लिए नहीं बनाया है, अल्लाह ने तलाक को एक रहम बनाया है। आपका पति उस काबिल नहीं, आपको मारता है पीटता है, उस स्थिति में तलाक है। लेकिन बरसों से हलाला के नाम पर औरतों की आबरू और मजहब के साथ जो गंदा खेल आप लोग खेल रहे हैं, गलत है, सरासर गलत है। बंद हो।